आज हम क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए बी सी डी यहां तक हमने कल किया था और हमने ई भी किया था, तो आज हम इस ई को थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं, जिसमें कहा गया है कन्वर्ट द मेजर इन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जो मेजर्स दिया गया है इनको कन्वर्ट करना है। जैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 15 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये हमें यानी कि पता होना चाहिए। कल मैंने आपको वहाँ पे बोर्ड पे यानी कि लिख के लाइन करने के लिए दिया था। तो होता क्या है कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे एक बात ये हमारे पास ये जो 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर यानी कि स्मॉलर यूनिट है ये मीटर के कंपैरिजन में। अगर हम मीटर और सेंटीमीटर को कंपेयर करें तो ये मीटर जो है यानी कि बड़ा होता है देन सेंटीमीटर। तो जब हम स्मॉलर यूनिट को जब हम बिगर यूनिट में कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलर यूनिट है इस स्मॉलर यूनिट को हम 100 से, या फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इस 100 को 15 को डिवाइड करेंगे विद 100 के साथ। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास हमें कन्वर्ट करना है 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस 15 को डिवाइड करना पड़ेगा विद 100 के साथ। जब हम इस 15 को डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो हमें यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया तो यहाँ पे जीरो आया, 100 1 100 5 और जीरो नीचे आया 5 100 5। अब यहाँ पे जब हमारे पास 50 है और यहाँ पे 100 है, तो हम यहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं, क्योंकि डिसिमल पॉइंट से आगे अगर हमें डिसिमल पॉइंट से आगे हम यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 100 5 5 100। अब क्या होता है, हमारे पास जो आंसर आते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.15, ये आ गया। अब उसके बाद हम करते हैं एफ पार्ट करते हैं इसका। एफ पार्ट में लिखा है आपका 1.2 किलोमीटर टू मीटर। अब हमारे पास यहाँ पे है 1.2 किलोमीटर और यहाँ पे है मीटर, तो इस 1.2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है। तो 1 किलोमीटर ये जो यानी कि किलोमीटर बड़ा होता है देन मीटर, तो हमें क्या करना है, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, हमें कन्वर्ट करना है ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब हम किसी बड़े यूनिट को ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उस केस में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 1.2 है, इस 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 1000 के साथ। अब जब हमारे पास बिगर यूनिट को अगर हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब स्मॉलर यूनिट को हम बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम डिवाइड करते हैं विद उसके यानी कि इस यूनिट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 1.2 किलोमीटर, 1.2 मल्टीप्लाइड पे हम क्या करेंगे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इससे पहले हमने डिसिमल में किया था, जैसे 12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इस पॉइंट को हम यानी कि फिलहाल के लिए रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 एंड 12, इसके बाद जब आंसर आया तब हमें डिसिमल पुट करना है, डिसिमल यानी कि 1 डिजिट के बाद ही है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई डिसिमल नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1 डिजिट के बाद, तो हमारा आते हैं 1200 मीटर आते हैं। ये हुआ एफ। अब उसके बाद आते हैं हम जी पार्ट, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको।
जी पैड का जो क्वेश्चन है वो है 0.031 डेका मीटर टू मिलीमीटर। तो हमारे पास यहाँ भी इसको क्या करना है, 0.01 डेका मीटर को कन्वर्ट करना है हमें मिलीमीटर में। तो इस पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 डेका मीटर, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमारे पास ये जो डेका मीटर है इस यानी कि मिलीमीटर से लेस है, स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर या बिगर भी आप कह सकते हैं, ग्रेटर यूनिट। जब हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 0.01 डेका मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे दिया है उन्होंने 0.031 डिवाइडेड बाय 0.01 इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इस तरह कर सकते हैं 0.031 डिवाइडेड बाय 0.01। तो यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे 0.03 है, तो यहाँ पे हम जीरो डाल सकते हैं और यहाँ पे 1 3 3 होता है हमारा, तो यहाँ पे बचता है 1। फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक 1 ही है तो 1 1 जा हम 1 यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आते हैं वो आते हैं इज इक्वल टू 3.1। या तो आप इन दोनों को 0.31 को 0.01 के साथ डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको होमवर्क के लिए करना है, रिवीजन करना है आपको यूट्यूब का एक्सरसाइज 2B। कल मैंने आप लोगों को कहा था एक्सरसाइज 2 ये रिवीजन करने के लिए, आज आप लोगों को रिवीजन करना है फॉर यूट्यूब के लिए एक्सरसाइज 2B। और इसमें से आगे जो क्वेश्चंस बचते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जी तक हमने किया है, तो आप ट्राई करेंगे इसका होमवर्क के लिए HIJKL, यानी कि ये 5 पार्ट्स आप यानी कि ट्राई करेंगे होमवर्क के लिए। इसके अलावा आपको YouTube के लिए रिवीजन करना है एक्सरसाइज 2B। बाकी जितने भी यहाँ इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।